Hello everyone, welcome back to my channel once again. Without further delay, let's quickly get into the video. आप देख सकते हैं ये 1899 का है, ये गॉटिक का ब्लूटूथ ईयरफोन है और एक और है ये 1499, इसी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ 1499 का वाला का। ये वाटर रेजिस्टेंट है, वो वाटरप्रूफ था और इस पर 5 स्टार की रेटिंग है और जो नेगेटिव भी है वो 4 स्टार, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप। अमेजोन पे भी चेक कर सकते हैं कि इसकी रेटिंग्स कितनी अच्छी चल रही है और ये ईयरफोन भी बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे को इसका साउंड काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इसका बेस क्वालिटी तो ऑसम है लाजवाब और आप इस ईयरफोन को जीत सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इस वीडियो को पूरा देखें और गिव अवे का डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो पे भी। ये है गॉटिक का फ्यूजन जो 1400 वेरिएंट वाला है। ये वाटरप्रूफ नहीं है, एक और वाटरप्रूफ आता है जो कि 1700 के आसपास पड़ता है और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। इसकी जो आप देख सकते हैं म्यूजिक प्ले टाइम 7 आवर, मेरे को लगता है जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था ये 7 से भी ज़्यादा दे रहा था। स्टैंड बाई टाइम 220, ये बिल्कुल सही। बैटरी कैपेसिटी 100 mAh, कॉलिंग टाइम 8 to 9 आवर्स मेरे को लग रहा था जब स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया था, अभी 8 आवर्स दे रहा है। और चार्जिंग टाइम 1 घंटा 2 घंटा के आसपास लगता है चार्ज होने में। और इसमें एक और फीचर है जो ब्लूटूथ, 2 ब्लूटूथ डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 ईयरफोन भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें है रिच बेस जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि सबसे ज़बरदस्त काम करता है अभी इस रेंज की ईयरफोन ब्लूटूथ ईयरफोन्स में। IPS स्वेट प्रूफ, चलिए ठीक है क्योंकि जिम वेयर बेस के लिए है। नॉइस कैंसिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बिल्ट इन माइक्रोफोन और iOS एंड्रॉइड दोनों में कंपैटिबल है। नॉइस कैंसिलेशन की एक्सपीरियंस भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। इसमें मिलता है आपको ऑप्शनल ईयरबड, कैरी केस जो भी ज़बरदस्त है, एक चिपसेट है CSR835 चिपसेट जो कि ज़बरदस्त है, लॉन्ग लिस्टिंग टाइम, स्मार्ट कंट्रोल भी है और इसकी लाजवाब डब्बा देखिए क्या सुंदर दिखता है, ब्लैक कलर में इगोटिक लिखा हुआ। और ये रहा हमारा केस, इसी के अंदर हमारा ईयरफोन है जो कि काफ़ी सुंदर स्टफ, मजबूत सा एक डब्बा है जो कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं ट्रैवल में, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके ईयरफोन दबेगी नहीं, बहुत अच्छी सी है ये डब्बे। ईयरफोन को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे ईयरफोन काफ़ी मजबूत है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये डब्बा फिर भी इसे एक अलग सा मजबूती दे देता है। ये आपको अमेजोन में भी अवेलेबल है ये बॉक्स, रिकॉर्डिंग का नहीं पर लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आपको बॉक्स लेना हो तो। ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सा ईयरफोन ब्लैक एंड रेड कलर में और ये देख सकते हैं गॉटिक लोगो। ये देखिए मैंने काफ़ी यूज़ कर रखा है इसे, ध्यान से देखिएगा तो आपको काफ़ी सारे दाग दिख जाएंगे, वैसे कुछ खास दाग भी नहीं आया, बहुत मैंने रफ यूज़ कर रखा है इसे। वॉल्यूम ठीक है, यहाँ चार्जिंग पोर्ट है, ये फास्ट चार्जिंग है। और ये थोड़ा बात करें इसके ब्लूटूथ डिस्टेंस की तो ये 20 to 22 मीटर इन लाइन चलता है और चाहे तो आप एक रूम से दूसरे रूम या फिर तीसरे रूम तक बिना वॉइस ब्रेकेज के आप आराम से गाना या फिर किसी से बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल से तो काफ़ी कन्वीनियंट है इसे यूज़ करना। मुझे लगता है इसका डिज़ाइन और बेस क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ईयरफोन, क्वालिटी है इसमें देख सकते हैं आप। और ये अंदर की तरफ झुके हुए है, इसी से आपके डीप पंजी जो बेस है काफ़ी ज़बरदस्त इसमें आता है। उसकी वायर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे होते हैं विंटर्स में आपके वायर धीरे धीरे कड़ा होकर टूटने लगते हैं कुछ दिन के बाद, अभी तक तो मैं 3 महीने तक यूज़ कर रहा हूँ ये वायर का हालत वैसा था वैसे ही है, कभी फंसता वस्ता भी नहीं है और ठीक मॉडरेट वायर है ताकि आप कान अपनी गर्दन के पीछे से आप इसे ले जाएँ। ये काफ़ी लचीला है ताकि आपके कान को इरीटेट ना हो और ईजिली आप अपने कान पर लगा सकते हैं। इसकी जो बेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसे लगेगा कि कोई आप 15-20 हज़ार का ईयरफोन में जिस टाइप का बेस होता है वैसा बेस है इसमें, जो काफ़ी मुझे को बहुत अच्छा लगा इसमें बेस। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इसका बेस ही लगा, उसके बाद फिर बैटरीज और सारे कुछ है और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा बस बेस लगा, ज़बरदस्त है। ईयरबड्स अकॉर्डिंग टू जैसे आपके ईयर की साइज़ है, जो आपको कन्वीनियंट है आप उसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे। मेरे को जो नॉर्मल वाला दिया है वही मेरे लिए काफ़ी है, अभी तक मैंने ये सब को यूज़ नहीं किया है। एक ब्लैक कलर का आपको हुक दिया है ताकि आप जब ईयरफोन को पीछे की तरफ से लेके जाएं तो वायर पीछे होगी, एक्स्ट्रा लगे आपको तो आप इस ब्लैक वाले जो हुक है आप इसमें वायर को फंसा सकते हैं।
यहाँ पे देखो और एक चीज़ है जो जो केबल्स दिया गया है यूएसबी, इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसे मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया क्योंकि मेरे पास फ़ोन चार्जर ऑलरेडी थे, जिसे मैंने चार्ज कर लिया। ये एक मैनुअल बुक है जो सबको पढ़नी तो चाहिए पर कोई पढ़ते नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। इसके फीचर्स के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था कि जो डुअल कनेक्टिविटी है वो सच में काम करता है या नहीं, क्योंकि मैंने नॉर्मल जो डुअल ब्लूटूथ था, एक्चुअली एक और ब्लूटूथ ऑन था, गलती से मेरे साथ हुआ था और दोनों का दोनों कनेक्ट हो गया था उस टाइम पे, और दोनों पे अच्छा म्यूज़िक बज रहा था। उसी समय मैंने चेक किया कि ये वाला ब्लूटूथ ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे कुछ वार्निंग टिप्स और हैंडलिंग ऑफ वेस्ट इलेक्ट्रिकल, और यहाँ फीचर्स भी है जो आपको पाउच करके अगर पढ़ना हो तो आप फीचर्स भी पढ़ सकते हैं। जनरली कोई पढ़ता नहीं है पर अगर आप लेने से पहले पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। ये ईयरफोन मेरा वापस से आ गया है, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ ऑन करके पहले दिखा देता हूँ। इसकी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, चलिए ये पावर बटन है, मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए एक रेड ब्लू कलर का एक ब्लिंक हुआ, ये है कि आपका ब्लूटूथ ऑन हो गया है। और यहाँ पे एक नॉइज़ आती है, योर डिवाइस इज ऑन, ब्लूटूथ डिवाइस इज टर्न ऑन। और देखिए अब मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ पहले ऑन कर लेता हूँ और ये ऑन हो गया है, ये कनेक्ट भी हो गया। देखिए अब धीरे धीरे ये बत्ती जल रही है। अब मैं देखिए इसकी जो ईयर बर्ड्स जो है अंदर की तरफ झुकी हुई है, ध्यान से देखिएगा। इसी से आपका डीप बेस जो आता है बहुत मज़ा आता है सुनने में इसमें म्यूज़िक। इसकी जो वायर क्वालिटी है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है कि आप पॉकेट में डालो, निकालो, रफ यूज़ करो, जैसे यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं होता है, फंसता नहीं है तार, कटता नहीं है तार, काफ़ी मजबूत है, अच्छा क्वालिटी का है ईयरफोन। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैं मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम या फॉल्ट नहीं दिखा अभी तक जो मैं बता पाऊँ। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ लाइट टच दिखा देता हूँ। देखिए इस ईयरफोन को पहनने का अपने फिंगर टच से उठा करके ऐसे हुक को लगाइएगा। देखिए अपने तार को पीछे ले जाए और ऐसे करके पीछे लगा दें, इससे अब देखिए ये बहुत अच्छे से फिट जाता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा पहला दिन, पर उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि आप ईयरफोन लगाए हुए हो। अब कितने भी वर्कआउट करो, जिम करो, रनिंग करो, ये ईयरफोन नहीं करने वाला, काफ़ी मज़ा आता है, बहुत कंफर्टेबल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ईयरफोन नहीं लगा रहे हो। काफ़ी स्मार्ट कूल लुक भी है और आपके प्रोफेशन को सूट भी करेगा। टेस्ट करते हैं इसकी नॉइस कैंसलेशन, यहाँ आउटडोर्स में अब थोड़ा ले चलता हूँ मैं आपको। देखिए ये आउटडोर्स का तो आपको भी दिख रहा होगा क्या बढ़िया नॉइस कैंसलेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। और आई गेस आपने भी जो ईयरफोन यूज़ कर रहा होगा या फिर यूज़ किया होगा अगर ब्लूटूथ में, तो स्टिक का नॉइस कैंसलेशन वाला प्रॉब्लम सारे में है। और इस ईयरफोन में भी मैं देख पा रहा हूँ कि नॉइस कैंसलेशन का प्रॉब्लम है, ये आप भी सुनिए होंगे, नॉइस कैंसलेशन का प्रॉब्लम तो है। लेकिन नॉर्मल ईयरफोन जो होते हैं जो हम लोग वायर्ड वाला यूज़ करते हैं उसमें कैंसलेशन बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ये सारे ईयरफोन। प्रॉब्लम क्या है कि सारे ईयरफोन्स में मैंने देखा है कि चाहे वो बॉट हो या JBL हो, नॉइस कैंसलेशन तो लिखा होता है लेकिन कैंसिल कुछ नहीं होता है। आपने भी देखा होगा अगर गिव अवे रूल काफ़ी सिंपल है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किए हुए हो, और हाँ मैक्सिमम शेयरिंग ताकि आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही मैं विनर अनाउंस करूँगा। तो 500 व्यूज के बाद मैं सीधा विनर अनाउंस कर दूँगा इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।